मध्य प्रदेश के बहुचर्चित भैयू महाराज सुसाइड मामले में एक फोन कॉल ने मौत का राज खोल दिया। इस फोन कॉल ने भैयू महाराज की मौत के लिए दोषी आरोपियों के चेहरे सबके सामने लाकर रख दिए। इतना ही नहीं, इस एक फोन कॉल ने भैयू महाराज की जिंदगी के वो राज भी खोल दिए जो उनकी मौत के बाद शायद ही दुनिया के सामने आ पाते। 12 जून साल 2018 ये वो दिन था जब भैयू महाराज ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। शुरुआती जांच में पुलिस इसे आत्महत्या का मामूली मामला समझ रही थी, लेकिन 28 जनवरी को इंदौर कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया कि महाराज को आत्महत्या के लिए उकसाया गया था और इसके लिए जिम्मेदार उनके सबसे करीबी ही थे। आत्महत्या की इस साजिश का खुलासा एक गुमनाम कॉल से हुआ। यह फोन कॉल भैयू महाराज के वकील निवेश बड़जात्या के पास आया था। निवेश बड़जात्या बीते 22 साल से महाराज के करीबी थे और उनके कानूनी मामले देखते थे। एक अनजान आदमी ने बड़जात्या को फोन कर 5 करोड़ रुपए की मांग की थी। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। बड़जात्या ने पैसे देने से इनकार कर दिया और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस इसे रंगदारी या अवैध वसूली जैसा मामला समझ रही थी, लेकिन जांच में फोन करने वाले शख्स का नाम सामने आते ही अधिकारियों के कान खड़े हो गए। फोन करने वाला भैयू महाराज का ड्राइवर रह चुका कैलाश पाटिल था। पुलिस ने कैलाश से पूछताछ की तो पलक, विनायक और शरद के बीच गठजोड़ की बात का पता चला। फिर तो एक एक करके इस केस की परतें उखड़ने लगी और पुलिस ने ऐसे सबूत इकट्ठा कर लिए कि आरोपियों के लिए बचाव का रास्ता ही नहीं बचा। कैलाश ने पुलिस को बताया कि पलक, विनायक और शरद की तिगड़ी भैयू महाराज के पैसों का हेरफेर कर चुकी है। कैलाश ने यह भी बताया कि भैयू महाराज के अलावा वह पलक और विनायक को भी गाड़ी में बिठाया करता था। इस दौरान उनके बीच होने वाली बातचीत के बारे में उसने बताया तो पुलिस को जांच का एक सिरा मिल गया। ड्राइवर से पूछताछ में खुलासा हुआ कि तीनों मिलकर महाराज को आत्महत्या के लिए उकसा रहे थे। पाटिल ने इन तीनों की पोल तो खोली ही, साथ ही भैयू महाराज की जिंदगी के काले सच के बारे में भी बताया। उसने पुलिस को बताया कि महाराज गाड़ी में बैठकर अक्सर लड़कियों से बात किया करते थे। उनकी बातचीत आमतौर पर अंग्रेजी में हुआ करती थी। भैयू महाराज को लगता था कि पाटिल अंग्रेजी नहीं समझता, लेकिन उनके साथ रहकर वह भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी समझने लगा था। पाटिल से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने इस सिरे को खंगालना शुरू किया तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। एक एक कर 12 लड़कियों से महाराज के रिश्तों की बातें सामने आई। इनमें से 2 तो IAS अधिकारी हैं और दूसरे राज्यों में पदस्थ हैं। पाटिल ने पुलिस को बताया कि मुख्य सेवादार विनायक और शेखर को ये बातें पता थीं क्योंकि उनके पास लड़कियों के फोन आते थे। इन्हीं जानकारियों के बूते से भैयू महाराज के करीबियों ने उन्हें ब्लैकमेल करने का प्लान तैयार किया था, जो आखिर में उनकी मौत का कारण बना। इन तीनों को साल 2019 में ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उनके खिलाफ आरोप साबित करना इतना आसान नहीं था। केस के पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसे आत्महत्या का सामान्य मामला मानकर अपनी रिपोर्ट दे चुके थे। इसी बीच एक अनजान फोन कॉल ने मामले को पूरी तरह पलट दिया। सबूत और गवाहों को देखते हुए इंदौर कोर्ट ने 3 लोगों को दोषी करार दिया। 28 जनवरी को कोर्ट ने अपने फैसले में केयरटेकर पलक पुराणिक, मुख्य सेवादार विनायक और सेवादार शरद को 6-6 साल की सजा सुनाई। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।